लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत से उत्साहित तो भाजपा नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक देखने आज सिनेमा घर पहुंचे, जहां पर भाजपा नेताओं ने जाना कि किस तरह से एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री तक पहुंचता है। देखिए इस खास खबर में। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की सुनामी से मिली ऐतिहासिक जीत के बाद सिनेमा घरों में लगी पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म भाजपा नेताओं के लिए रिफ्रेशमेंट साबित हो रही है। जी हां, करीब 4 महीने की चुनावी थकान के बाद इंदौर में भाजपा नगर अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सिनेमा घरों में नरेंद्र मोदी की बायोपिक देखने पहुंचे। इस दौरान बीजेपी नेता फिल्म के लिए थिएटरों में लाइन में लगे हुए नजर आए। इंदौर नगर अध्यक्ष गोपी कृष्ण नेमा ने कहा कि राष्ट्र के महानायक के जीवन पर बनी फिल्म से सीखने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से संघर्ष से शिखर तक पहुंचा जाता है। वहीं कार्यकर्ताओं में फिल्म को लेकर गजब का उत्साह देखा गया। राष्ट्र के महानायक की जीवन पर बनी हुई पिक्चर हमें कुछ प्रेरणा देगी, कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देगी, उनसे जीवन से लोग सीखेंगे कि संघर्ष से शिखर तक कैसे पहुंचा जाता है। उनकी जीवन के अनछुए पहलू जो लोगों की जानकारी में नहीं है, इस फिल्म के माध्यम से लोगों के सामने आएंगे, इसलिए हम ये पिक्चर देखने आए हैं। सारे कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, जो मोदी जी के व्यक्तित्व में पिक्चर देखने आए हैं, सभी में बहुत उत्साह है हमारे कार्यकर्ताओं में। जैसे ही रिजल्ट आए थे, सभी के फ़ोन आने लगे कि मोदी जी की फिल्म देखना है, और जैसा कि कल ये फिल्म लगी और आज हम इस पिक्चर को देखना है। मोदी जी का क्रेज़ तो आप सभी ने देखा, पूरे हिंदुस्तान में पूरा भगवा हो गया है, और अभी हम अंदर जा रहे हैं फिल्म देखने उनकी। वहीं विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भी फिल्म के रिव्यू के हिसाब से नरेंद्र मोदी की बायोपिक देखने की बात कही। हाँ, अभी विचार कर सकते हैं उस पर, अभी देखते हैं रिव्यूज कैसी है मूवी, या वो दिखानी है या मोदी जी से जुड़ी हुई और भी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, तो सभी को जाना, तो देखते हैं मूवी के रिव्यूज कैसे हैं, अगर अच्छी होगी तो हम हमारे क्षेत्र के लोगों को भी दिखाएंगे मूवी। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक की वजह से अब फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी को भी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।